जी बिल्कुल आ जी रही बाजी है। आ रही आवाज। हम लोगों को हर वक्त अपने दामन को साफ करना, अपने आप को सफाइयां पेश करना नहीं है, हमें अपनी कौम के लिए काम करना है। जितने हमारे साथी इस वक्त सियासी बुनियादों पे जेल में बंद है 92 के ऑपरेशन से, बल्कि इससे पहले भी, हमें उनकी लिस्टें बनाइए, उनको छुड़ाइए। आप सबको पता है कि पूरी दुनिया जानती है कि ये सियासी, जो भी सियासी कदी है, कितने लोग तो वो बेचारे 92 से तो कितने सुना है पागल पागल हो गए, जहनी मरीज हो गए, उन पर तो कोई उनको घर वाला भी पूछने नहीं जाता है। सबको सियासी बुनियादों पर जिनको गिरफ्तार किया गया उनको छोड़ा जाए, ये मुद्दा बनाए, ये सारी लिस्ट बनाए कि हमने अपने महाजरों के लिए काम करना है। आप जिस इलाके में रहते हैं वहां लिखे कितने महाजर हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, हमें उनको तालीम दिलवाना है। कितने लोगों के पास रोजगार नहीं है, हमें छोटे छोटे बिजनेसेस करवाना है, उनको हमारे पैसों से ऑरेंज बस बन रही है, हमारे बसों से, हमारे पैसों से दुनिया जहां के अंदर एस्टेब्लिशमेंट पूरी पूरे पूरे सूबे हुए जा रहे हैं, हम सिर्फ इसी जंगल इसी इसमें लगे हुए, हम महाजिर नहीं है, हम महाजिर नहीं है, जहनी मरीज हो गए बिल्कुल मेंटल, हम महाजिर नहीं है, हम पाकिस्तानी, भाई नहीं है हम पाकिस्तानी, हम महाजिर है। नाउन महाजिर इज इस्म, ये नाउन बन चुका है। मैं बार बार कहती हूँ हमें कौम है, हमें एज अ कौम तस्लीम किया जाए, हमें अपना सूबा चाहिए, हमें अपना सूबा चाहिए, हमें अपना सूबा चाहिए, हमने पाकिस्तान बना के दिया, हमें अपना सूबा चाहिए। आप लोग दीवार से लगाएंगे क्या होगा, दीवार से लगने के बाद चीजें वापस होती पलटती हैं, फिर बहुत कुछ तब्दील। जब हम देखिए, मैं वो सब बातें फजूल नहीं करना चाहती हूँ जिससे कोई प्रॉब्लम आए, मगर मैं ये समझती हूँ कि महाजिरों को सिर्फ अपने मसाइल पे बात करना चाहिए, हमें किसी इलेक्शन में नहीं जाना, हमें कोई हुकूमत नहीं चाहिए, हुकूमत में जाके हमने देख लिया क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। शायद मैं कुछ बोलना चाहूंगा। एक मिनट आयाज भाई, एक मिनट, बस एक छोटा सा व्हाट्सएप देख रहा था जुमला, मुझे नजर आया, मैंने कहा बातचीत कर रहा था जुमला, मुझे नजर आया, मैंने कहा तमाम लोगों को कि कहानी थरथरी सुनते हैं आप, कभी तो पूछते फिर क्या हुआ। तो एनीवे हम आगे चलते हैं और आप अभी गुफ्तगू का अयाज भाई को लेते हैं बाजी, फिर इस पर आपकी गुफ्तगू पर बात करते हैं। जी अयाज भाई, जी अयाज भाई, शायद भाई मैं अंबर बाजी की बात से बिल्कुल एग्री हूं कि देखें इलेक्शन में जाने का कोई फायदा नहीं है। मुस्तफा भाई बोलते हैं कि हम वसीम अख्तर के पास राइट्स नहीं है, इख्तियारात नहीं है। अच्छा, एक बात वो ये भी करते हैं कि 18वीं तरमीम में तरामीम होंगी तो इख्तियारात मिलेंगे, इसी तरह की बात करते हैं। अगर वो इलेक्शन जीत भी जाते हैं तो क्या उनको इख्तियारात मिल जाएंगे? गटर लाइनें साफ करने के, पानी के, सेवरेज के, पुलिस के नहीं मिलेंगे। ठीक है, कराची की बात करते ना तो मैं उनसे कराची की बात करता हूं कि भाई आपको भी इख्तियारात नहीं मिलेंगे, पीपल्स पार्टी आपको भी इसी तरह रुलाएगी जिस तरह वसीम अख्तर के साथ किया है। अब उसने बुरा किया जैसा भी किया वो एक अलग मैटर है, लेकिन हमें जो हमारे हुकूक मिलेंगे सिवाय रोड पे निकलने के, रोड पे निकल के बैठ जाए, यानी 10 से 20 लाख अफराद हम बैठ जाए और परमानेंट बैठ जाए, चाहे हमें सूबा चाहिए, बल्दियाती इख्तियारात चाहिए, कोटा सिस्टम खत्म करवाना है, आपका आपके मसाइल का हल सिर्फ रोड पे बैठ के हो सकता है, मुसलसल बैठ जाए तो हम हमारी कोशिश ये होनी चाहिए। असेंबलियों में बैठ के कोई फायदा नहीं है। अल्लाह का असेंबलियों आपने सेकंड किया है अयाज भाई की बात पे, अयाज भाई वेरी नाइस, और इसमें तो मैं भी आपसे एग्री हूँ। और मकसूद भाई आए थे हमारे साथ, अभी चले गए, मैं देखता हूँ दोबारा मकसूद भाई से ताल्लुक कराते हैं। मकसूद भाई आए हैं कहाँ से, किधर से हैं? और पुराने मर्कजी साथी हैं, शोभा इत्तलात के इंचार्ज पुराने। हाँ हाँ मकसूद जी जी जी, मैं यहाँ पहचान गया, बस इनको कहा था मैंने ऑनलाइन होने के लिए, तो आगे बहुत पुराने मर्कजी साथी बिल्कुल। और अच्छा खैर, अब देखिए बाजी ने बड़ी अच्छी बात की, और वो कहते हैं ना कि मट्टी की मोहब्बत में हम आशिफ तस्सरों ने वो कर्ज चुकाए हैं जो वाजिबी ना, और ये बात आपकी बिल्कुल बजा है कि महाजिर अब एक एंटिटी है, महाजिर एक आइडेंटिटी है, महाजिर एक कौम है, महाजिर एक शनाख्त है। हम सब पाकिस्तान जब आए थे तो हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी बनने आए थे, हम पाकिस्तान की सूबाई लस्सानी या जेली शनाख्त को अपने ऊपर लादने के लिए नहीं आए थे, ना ही हम उन जबानों को इस्तेमाल करने या उन जबानों को बोलने के लिए आए थे। हमारा एक अपना कल्चर, तहजीब, तमद्दन और जबान थी जो कि एक सकाफती हवालों से एक कौम के लिए बहुत है। अच्छा, अब ये तो सारी चीजें हो गई डन। मैं समझता हूँ कि कोई भी इस पर क्वेश्चन हमसे ना करे, कोई भी ना करे, हम महाजिर हैं,
हम नॉट बीइंग जिसे कहते हैं कि जो लुघवी मायने होते हैं, नहीं जी हम लुघवी मायने वाले महाजन नहीं है, हम एक नाम है। आपने हमें बहुत सारे नाम दिए, मटर, हमने मटरवा, हमें भैया हिंदुस्तानी, मैं लाहौर में रहूं बहुत अच्छे, हमें पता है वहां हमें हिंदुस्तानी बाजी कहा जाता था मेरी मम्मी को, और हम हिंदुस्तानी बाजी के बेटे कहलाते थे। तो ये सारी चीजें अब खत्म हो गई जी जनाब, अब ये तो हम बहुत आगे निकल गए। हमारे जो 35,000 शहीद है ना, उनका लहू ये लिख चुका है, नविश्ता दीवार है, वी आर दी मुहाजिर नेशन, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ओके बाजी, यहां तो मैं आपके साथ हूं बिल्कुल, ओके दादा। अब बात आ जाती है हाउ टू वर्क, वर्किंग प्लान के ऊपर। अच्छा मैं चूंकि देखिए मैं आप तमाम लोगों में शायद बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी, और जो अयाज भाई को यकीनन ये बात पता है, रेहान भाई को पता है, मैं तकरीबन 92 से लेकर मैं बोल सुन रहा हूं, अच्छा बिल्कुल 2016 तक 7 times आई हैव बीन इन प्रिजन, 7 times एंड 1 time किडनैप्ड बाय हकीकी दहशतगर्द आमिर खान और इनका टोला। मैं बहुत से लोगों से मिला हूं, मैं लापता भी रहा हूं, मैं वो मजा भी चक्कर आया हूं, 1 महीना लापता भी लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं। मैं एक 90 रोज का रिमांड जिसकी बड़ी धूम थी वो भी काट के आया हूं, फिर दोबारा मैं 22 अगस्त के बाद जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, आई वॉज दी वन, मैं उसमें एक था, और आई वॉज फोर्सिबली ड्रीवन टू दी बीइंग अरेस्टेड। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मैंने कहा ओके आई एम रेडी, आप मुझे, मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं, चले कमर नवीद ने कहा आप चले अरेस्ट हो जाएंगे, मैंने कहा चले, अब बचा क्या है, बात करते हैं यार क्या मसला है। अच्छा देखिए थोड़ी गुफ्तगु में हम झूठ का सहारा ना ले और सच बताए कौम को, बहुत जरूरी है, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा कोई भी, और इसको आप दूसरे माने में नहीं लीजिएगा, आई एम अ वेरी ट्रू पैट्रियोटिक महाजिर एंड पाकिस्तान, बीइंग ए मुस्लिम मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सिर्फ एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 1992 से लेकर जितने ऑपरेशन हुए, लेट द कंक्लूजन कम्स अप एंड लेट दिस कन्वर्सेशन बीइंग एकेडमिक प्लीज, इसमें अब आप कोई ऐसी बात ना करें तो मेरी एकेडमिक गुफ्तगु को थोड़ा सा फेकी होना हो जाए। वजह क्या है, वजह यह है 1992-1990 हमने सारे ऑपरेशन, बल्कि 1988 में भी एक ऑपरेशन हुआ था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, जब हमने तहरीक एतमाद पेश की थी, मकसूद भाई पुराने उनको पता होगा, तहरीक एतमाद के फ्लॉप होने के बाद, फेल होने के बाद एमपीएम पे पीपल्स पार्टी ने क्रैक डाउन किया था, उसके बाद बड़ी मार कुटाई हुई थी, कर्फ्यू लगता था और बहुत सारी चीजें हुई, 1990 के इलेक्शन हमने कर्फ्यू में लड़ा। अच्छा खैर मैं ये बात बताना चाह रहा हूं आप तमाम लोगों को, इस बात को समझे प्लीज, हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, जब ऑपरेशन हुआ सियासी हुआ, पीपल्स पार्टी ने कराया, नून लीग ने कराया, फिर पीपल्स पार्टी ने कराया, फिर नून लीग ने कराया, ये तमाम ऑपरेशन जितने भी एमपीएम के खिलाफ हुए ये तमाम के तमाम पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन थे, प्लीज नोट माय पॉइंट, ये तमाम के तमाम ऑपरेशन पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑपरेशन थे। इस ऑपरेशन का मकसद ये था कि कराची को डिवाइड एंड रूल किया जाए और कराची में एमपीएम की ताकत को तोड़ा जाए ताकि नून लीग भी सीटें ले, पीपल्स पार्टी भी सीटें ले, नोट दिस। लेकिन 2008 के बाद या खास तौर पे 2002 के बाद एमपीएम के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। लेकिन 2008 के बाद हमने क्या किया, हमने की चाइना कटिंग, हमने की टारगेट किलिंग, हमने किया कब्जा लोगों के घरों पे, लोगों की दुकानों पे, लोगों के प्लॉटों पे, इवन के नोट माय पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, लोगों की बीवियों पे, मेरे पास ऐसी भी रिपोर्ट है कि शोहर को मार दो बीवी को फिर शादी कर लो, अल्लाह माफ करे तौबा, या ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था एमक्यूएम के खिलाफ, मुझे आप लोग जवाब दीजिएगा जब मैं आप गुफ्तगू खत्म करूं। आप जब ये सारे काम करेंगे, टारगेट किलिंग करेंगे, घरों से भत्ता खाले छीनेंगे, बदमाशियां करेंगे, तो क्या आपके खिलाफ अल्लाह ताला उतारेगा नहीं किसी मूसा को आपके लिए, आप तो फ्रॉड बन गए थे ना, और आपकी राबता कमेटियां क्या कर रही थी, अनीस कायम खानी डिप्टी कन्वीनर, मुस्तफा कमाल मौजूद थे राबता कमेटी में, शकील उमर, वसीम आफ्ताब, नेक मोहम्मद, वासिफ जलील, कन्वीनर नदीम नुसरत,
हैदर रिजवी, फैसल सफजारी, ख्वाजा इदारुल हसन, ये अमीर से अमीर तर हुए जा रहे थे। इनके बाद अरब पति, क्या ये महाजिर नहीं है? आप मुझे बताइए, ये महाजिर ब्लू आइड है, ये अरब पति बन जाए, इनको एस्टेब्लिशमेंट नहीं पकड़ ली, या ये एस्टेब्लिशमेंट के बोर्ड में बैठ जाए? भाई ये कौन सी जस्टिफिकेशन है कि जहां पर आप अच्छे लोग आपके कमा कुमू के लूट लाट के निकल जाए, आप बोले ये एस्टेब्लिशमेंट के लोग, और जहां मार पड़ रही है, पिटाई हो रही हो, आप बोले एस्टेब्लिशमेंट मार रही है, मगर आप अपने गिरेबान में नहीं झांक रहे। आपकी हरकतें क्या थी? अपनी आंखों से देखा यार, रोते थे हम,